बैंक रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट बैंक रिकन्सलेसन स्टेटमेंट समझने से पहले हम ये एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि बैंक रिकन्सन स्टेटमेंट क्या है तो यहाँ पर ये दो पर्सनस है एक तो एक बिजनेसमैन है जो ट्रेडर है मिस्टर ए और ये उसका बैंक है मिस्टर ए जो बैंकिंग ट्रांज़ेक्शन्स रिकॉर्ड करता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करता है तो कैशबुक जो टू कॉलम कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें कैश और बैंक दो कॉलम्स होते हैं तो हम ये एज़्यूम करते हैं कि ये वो कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम है और बैंक जो ट्रेडर के ट्रांज़ेक्शन्स रिकॉर्ड करता है तो बैंक एक पासबुक बनाता है जिसमें वो अपने ट्रेडर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और ट्रेडर को बताता है कि बैंक ने उसे क्या रिकॉर्ड किया है तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो कैशबुक में रिकॉर्ड होते हैं और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेडर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं अब यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स हम लेते हैं और देखते हैं कि ये दोनों ट्रेडर और बैंक उन ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेगा जिसमें पहला ट्रांजेक्शन हम लेते हैं कि ट्रेडर ने कैश डिपॉज़िट किया बैंक में तो ट्रेडर जब कैश बैंक में डिपॉजिट करेगा तो ट्रेडर कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक इज रिसीवर वो बताएगा और कैश गोज आउट वो लिखेगा अब अगर इसी ट्रांजेक्शन को वो इस कैशबुक में रिकॉर्ड करता है तो वो कैशबुक में बैंक कॉलम को डेबिट करेगा टू कैश टू थाउजेंड इसी ट्रांजेक्शन को अगर बैंक रिकॉर्ड करेगा तो बैंक कहेगा कैश कमस इन कैश अकाउंट डेबिट और गिवर इज ट्रेडर मिस्टर ए तो वो मिस्टर ए को क्रेडिट करेगा तो अब यहाँ पर अगर ये पासबुक में इसकी पोस्टिंग देखी जाए तो पासबुक में ये क्रेडिट साइड में दिखेगा बाय कैश अकाउंट 2000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रेडर डेबिट करता है बैंक को तो बैंक ट्रेडर का अकाउंट क्रेडिट करता है इसी का अपोज़िट ट्रांजेक्शन हम लेते हैं कि तो ये जो ट्रेडर का डेबिट पार्ट है ये डिपॉजिट पार्ट है और बैंक का जो क्रेडिट पार्ट है ये डिपॉजिट पार्ट है इसी का अपोजिट ट्रांजेक्शन अगर हम लेते हैं तो कैश विड्रॉ किया अगर बैंक से सपोज़ पाँच रुपए तो इंट्री विल बी ट्रेडर कहेगा कैश अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट 500 इसी का इस ट्रांजेक्शन को अगर हम कैशबुक में पोस्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे सो so ये बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय कैश 500 इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जो कैशबुक है बैंक कॉलम ये बेसिकली बैंक अकाउंट ही है जो ट्रेडर मेंटेन करता है अब अगर बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया कि ट्रेडर ने पाँच सौ विड्रॉ किए तो बैंक कहेगा रिसीवर इज ट्रेडर मिस्टर ए अकाउंट डेबिट पाँच टू कैश अकाउंट क्योंकि बैंक के पास से कैश आउट है और इसी को अगर ट्रेडर बैंक अगर पोस्ट करेगा पासबुक में तो वो बैंक पासबुक में ट्रेडर अकाउंट को डेबिट करेगा और ट्रेडर अकाउंट को डेबिट में वो लिखेगा टू कैश पाँच सौ अब अगर इस अकाउंट की बैलेंसिंग की जाए तो ये जो पासबुक का डेबिट पार्ट है ये विड्रॉल पार्ट है और कैशबुक का क्रेडिट पार्ट जो है ये विड्रॉल पार्ट है तो इससे ये समझ में आया कि ट्रेडर अगर कैशबुक में डेबिट करता है तो बैंक क्रेडिट करता है और ट्रेडर अगर कैशबुक में क्रेडिट करता है तो बैंक डेबिट करता है इस तरह से अब अगर इस अकाउंट की बैलेंसिंग की जाए तो टोटल ऑफ़ डेबिट 2000 क्रेडिट में लिखेंगे 2000 और इसमें से अगर पाँच सौ लेस करेंगे तो ट्रेडर बता रहा है अपनी बुक में बैंक से लेना डेबिट बैलेंस पंद्रह सौ और बैंक अगर बैलेंस करता है टोटल ऑफ क्रेडिट 2000 डेबिट में 2000 लिखेंगे इक्वल करने के लिए और बैलेंस ये पंद्रह सौ तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट बैलेंस है पंद्रह सौ तो ये जो ट्रेडर ने अकाउंटिंग की है और बैंक ने अकाउंटिंग की है अगर हम इसको ध्यान से गौर करें तो ट्रेडर डेबिट अगर करता है तो वो उसके लिए डिपॉजिट है और बैंक अगर क्रेडिट करता है तो वो उसके लिए डिपॉजिट है ट्रेडर अगर क्रेडिट करता है तो वो उसके लिए विड्रॉल है और बैंक अगर डेबिट करता है तो वो उसके लिए विड्रॉल है ट्रेडर अगर अपना डेबिट बैलेंस बताता है तो बैंक अपनी बुक में क्रेडिट बैलेंस बताएगा इस तरह से ये ट्रांज़ेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे अब होना तो ये चाहिए कि ट्रेडर अगर दो हज़ार पंद्रह सौ रुपये बैलेंस बता रहा है लेना बाकी तो बैंक ने भी पंद्रह सौ रुपये देना बाकी बताना चाहिए क्रेडिट बैलेंस बताना चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता इसके बहुत सारे रीज़न्स है होना तो ये चाहिए कि दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए लेकिन ये दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होते इसके कुछ है और वो रीज़न्स जो है इन दोनों बैलेंसेस के डिसएग्रीमेंट के इन दोनों बैलेंसेस के एक ना होने के वो ये है जिसमें पहला रीजन है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब ये है कि ट्रेडर ने एक चेक अगर बैंक में डिपॉजिट किया है तो ये दो हमने अकाउंट यहां पर सामने रखे एक तो बैंक अकाउंट है ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मिस्टर ए अकाउंट है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैंक में अगर ट्रेडर ने चेक डिपॉजिट किया है तो ट्रेडर इस ट्रांजैक्शन को बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा लेकिन होता यह है कि ये चेक कलेक्ट करने में बैंक टाइम लेता है आज अगर मान लो कि भाई हमने इस चेक को डिपॉजिट किया है ट्वेंटी जनवरी को तो ये ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी का चेक बैंक कलेक्ट करने में अगर मान लो कि एक या दो दिन का टाइम लेता है तो बैंक ने यह चेक को कलेक्ट किया सत्तावीस जनवरी को तो अब अगर पच्चीस तारीख से लेकर पच्चीस तारीख छब्बीस तारीख और सत्ताईस तारीख को अगर बैंक ने रिकॉर्ड किया अब अगर मैं अपना बैलेंस 25 तारीख को बैंक के साथ मैच करने बैठू तो मैच नहीं होगा क्योंकि ट्रेडर ने तो डिपॉजिट रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक ने अभी तक डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं किया है ट्रेडर ने डेबिट कर दिया है बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है इस वजह से ये दोनों बैलेंसेस इक्वल नहीं होंगे एक जगह रिकॉर्डेड है दूसरी जगह रिकॉर्डेड नहीं है तो ये पहला रीज़न है दूसरा रीज़न है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ट्रेडर ने चेक इशू किए हैं ट्रेडर ने पार्टीज़ को या एक्सपेंसेस के लिए चेक इशू किया है लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में नहीं आए पेमेंट के लिए ट्रेडर जब भी ये चेक इशू करता है तो अगले तकरीबन तीन महीने तक ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो सकता है या चेक बैंक से विड्रॉ हो सकता है तो बात यही हुई है कि ट्रेडर ने चेक इशू किया है ट्रेडर ने विड्रॉल रिकॉर्ड किया है बट बैंक ने अभी तक ये विड्रॉल रिकॉर्ड नहीं किया है तो इस वजह से इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है तीसरा रीजन है इंटरेस्ट अलाउड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक अब यहाँ पर बात यह है कि बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है या बैंक ने इंटरेस्ट का पासबुक में रिकॉर्ड किया हुआ है ट्रेडर अकाउंट को क्रेडिट किया है लेकिन ट्रेडर ने अभी मान लो कि भाई 31 मार्च के दिन बैंक ने इंटरेस्ट का क्रेडिट किया साल में दो बार अब तो साल में चार बार इंटरेस्ट बैंक देती है तो बैंक ने इंटरेस्ट का क्रेडिट किया पासबुक UH, में लेकिन ट्रेडर को ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये लेट मिली 31 मार्च का ट्रांजैक्शन ट्रेडर ने बैंक ने तो 31 मार्च को रिकॉर्ड कर दिया है बट ट्रेडर को ये ट्रांजैक्शन पता चला 5 तो अप्रैल को तो अब इकतीस मार्च को बैंक ने रिकॉर्ड किया बट ट्रेडर ने ये डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं किया तो इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा एक ने रिकॉर्ड किया है एक ने रिकॉर्ड नहीं किया इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक बैंक ने इंटरेस्ट और एक्सपेंस का चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ओवर अगर हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है या बैंक जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है अलग अलग उसके लिए बैंक एक्सपेंसेस का चार्ज करती है तो बैंक इंटरेस्ट और बैंक एक्सपेंसेस अगर बैंक ने चार्ज किया है तो बैंक ने विड्रॉल बताया है डेबिट किया है बट ये ट्रांजेक्शन जस्ट लाइक इसके ऊपर वाला इंटरेस्ट वाला ट्रांजेक्शन जैसे बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया बट ट्रेडर को ये चीज़ बाद में पता चली जैसे 31 मार्च पर बैंक ने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए बट ट्रेडर को वो 5 अप्रैल को पता चला तो 31 मार्च पर ये दोनों बैलेंस मैच नहीं होंगे क्योंकि ट्रेडर ने रिकॉर्ड किया है बट बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया है तो इस वजह से इन दोनों बैलेंसेस में डिफ्रेंस आ सकता है अगला रीज़न है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स अगर हम बैंक को कह कर रखे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे कर रखे तो बैंक हमारे बिहाफ में बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है तो बैंक ने अगर ये एक्सपेंसेस किए हैं हमारे बिहाफ में तो बैंक एक्सपेंसेस का चार्ज करेगी बैंक विड्रॉल बताएगी डेबिट करेगी पासबुक में बट ट्रेडर को ये बात पता नहीं चली उस रोज जिस दिन बैंक ने रिकॉर्ड किया ट्रेडर को जब पता चलेगा ट्रेडर जब रिकॉर्ड करेगा जैसे 31 मार्च का ट्रांजैक्शन था मान लो 31 मार्च पर बैंक ने पेमेंट किया लेकिन ट्रेडर को वो अगले महीने की पाँच अप्रैल को पता चला तो इकतीस मार्च पर दोनों बैलेंसेस इक्वल नहीं हो गए क्योंकि ट्रेडर ने रिकॉर्ड नहीं किया और बैंक ने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है कि बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक बाय अवर कस्टमर तो हमारे क्रेडिटर हमारे डेटर्स ने हमारे अकाउंट में हमें बताए बिना बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में डिपॉजिट बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वही बात है कि हमें पता नहीं चला और हमने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ पर भी बात वही है कि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है ट्रेडर ने रिकॉर्ड नहीं किया इसी तरह से चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बीइंग डिसऑनर्ड ट्रेडर ने चेक बैंक में डिपॉजिट किया ट्रेडर ने ये डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में वो रिकॉर्ड तब होगा जब बैंक को वो चेक का रुपया कलेक्ट होगा अब अगर बैंक को वो चेक का रुपया कलेक्ट नहीं होता है डिसऑनर हो गया सामने वाली पार्टी ने चेक का पेमेंट नहीं किया तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा तो अब अगर बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है बैंक ने डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं किया है और ट्रेडर ने ये डिपॉजिट रिकॉर्ड कर दिया है तो इस वजह से दोनों बैलेंसेस में फर्क आएगा ट्रेडर का बैलेंस ज्यादा दिखेगा बैंक का बैलेंस कम दिखेगा अगला रीजन है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ट्रेडर ने चेक डिपॉजिट किया है बैंक ने उस चेक को कलेक्ट भी कर लिया बट बाय मिस्टेक ट्रेडर ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया अब यहाँ पर बात यह है कि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है बैंक ने डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लिया है पर ट्रेडर ने अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो ट्रेडर ने डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं किया अब एक जगह रिकॉर्डेड है दूसरी जगह रिकॉर्डेड नहीं है अगला रीज़न है एरर बहुत सारी मिस्टेक्स जो या तो ट्रेडर करता है या बैंक करता है अमाउंट लिखने में मिस्टेक्स या तो ट्रेडर करे या बैंक करे तो अगर इस तरह से अमाउंट में मिस्टेक होती है जो ट्रेडर या बैंक के थ्रू होती है तो दोनों बैलेंसेस एग्री नहीं होंगे ट्रेडर या तो कम बैलेंस बताएगा या बैंक कम बैलेंस बताएगा यहाँ पर आप एक बात ये समझिए कि जो मेन रीज़न है डिफरेंस का कैशबुक और पासबुक के डिफरेंस का जो मेन रीज़न है वो है टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड हो रहा है दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हो रहा इस वजह से दोनों बैलेंसेस में फर्क आ रहा है अब अगर यह फर्क आता है अब अगर यह चीज है तो फिर हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो कहलाएगा बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलियन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकंसिलियन स्टेटमेंट यह बैंक स्टेटमेंट यह बैंक रिकंसिलियन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है एक रिटर्न फॉर्म एक डॉक्यूमेंट है जो आगे चलकर अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होगा ये प्रिपेयर किया जाता है बनाया जाता है टू रिकनसाइल रिकनसाइल कंसील का मतलब होता है हिडन रिकनसील का मतलब होता है उन छुपी हुई बातों को उन हिडन फैक्ट्स को फाइंड आउट करना पता करना तो दोनों बैलेंसेस में जो फर्क आता है कैशबुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस अभी हमने देखा कि बहुत सारे रीजंस है बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से इन दोनों बैलेंसेस में फर्क आता है तो ये जो बैलेंसेस में डिफरेंसेस के रीजंस है इन रीजंस को रिकॉर्ड करना इन रीजंस को बताता हुआ एक स्टेटमेंट बनाना ही है ये बैंक रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट जो डिफरेंसेस बताता है दोनों बैलेंसेस में आए हुए ये बनता है एक पर्टिकुलर डेट पर जैसे मैंने आपको अभी ऊपर की कई एग्जाम्पल्स में बताया कि जैसे इकतीस मार्च पर रिकॉर्डेड है एक बुक में दूसरी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है 25 जनवरी पर रिकॉर्डेड है एक बुक में दूसरी बुक में तो यहाँ पर जो मेनली डिफरेंस है जो फ़र्क की वजह है वो टाइम डिफरेंस है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से एक बुक में रिकॉर्डेड है एक बुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो ये मेनली डिफरेंस की वजह है तो ये जो फ़र्क आया है दोनों बुक में ये डिफरेंसेस को बताता हुआ ये स्टेटमेंट होगा ये डिफरेंसेस को बताता हुआ ये रिकन्सलेशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट दिखेगा कैसे या बनेगा कैसे तो उसका स्पेसिमिन इस तरह से है यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा है जैसे बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक कोई भी एक डायरेक्शन से हम दूसरे डायरेक्शन तक आ सकते हैं जैसे अगर मैं कैशबुक का बैलेंस लूँ और उसमें कुछ ये रीजंस को या तो ऐड करूं या लेस करूं और मुझे पता चलेगा पासबुक का बैलेंस या तो मैं पासबुक बैलेंस से शुरू करूं और कैशबुक बैलेंस तक आऊं तो कोई भी एक बैलेंस से शुरू कर कर हम दूसरे बैलेंस तक आ सकते हैं ये जो बैंक रिकनसिएशन स्टेटमेंट है मेनली वजह बताता है रीजंस बताता है कि एक बैलेंस से दूसरे बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आया यहाँ पर हमें जो आगे चलकर प्रॉब्लम्स डील करने हैं उसमें यही होगा कि वो कोई भी एक बैलेंस देगा या तो कैशबुक का बैलेंस देगा या तो पासबुक का बैलेंस देगा और हमें कहेगा कि भाई फाइंड आउट करो बताओ कि इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस कि अगर ये रीजंस है तो एक बैलेंस वो देगा हम दूसरा बैलेंस उसको फाइंड आउट कर कर बताएंगे फिर ये जो रीजंस है इन रीजंस को या तो उस बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा या तो उन रीजंस को उस बैलेंस से लेस करना पड़ेगा तब हमारा अनदर बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा और एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस की तरह लाना पड़ेगा ये रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट इस तरह से है अब अगर ये रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या है क्यों रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट बनाना तो ये जो है हमें बताएगा दोनों बैलेंसेस के बारे में तो ये अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी होगी कि बैलेंसेस कैसे हैं बैंक बैलेंस कैसा है आइर एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक ये जो बैंक रिकन्सिएशन स्टेटमेंट है इससे हम हमारी मिस्टेक्स पता कर सकते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर हुई है कैशबुक में रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हुई है या बैंक ने पासबुक रिकॉर्ड करने में मिस्टेक्स की है तो मिस्टेक्स जो है हम डिटेक्ट कर, कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बाद ये रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट बहुत सारे फ्रॉड्स को रिकॉर्ड करने में या बहुत सारे फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने में रोकने में हेल्पफुल होगा अगर कोई चेक हमने डिपॉज़िट किया और बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया या कुछ पेमेंट हमने किया है बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया या किसी भी तरह का फ्रॉड इससे हम आसानी से बैंकिंग फ्रॉड्स जितने भी हैं बैंक में जो भी फ्रॉड्स वगैरह हुए हैं हमारे अकाउंट से रिलेटेड वो हम आसानी से पता कर सकते हैं हमारे चेक्स का कलेक्शन अगर डिले हो रहा है हमने चेक डिपॉज़िट किया और कलेक्शन नहीं हो रहा है तो हम उसके रीजंस फिर ढूंढेंगे हमें पता चलेगा कि हमने एक चेक डिपॉज़िट किया और अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया तो क्यों कलेक्ट नहीं हुआ क्या वजह रही उसकी क्यों कलेक्ट नहीं हुआ तो ये रीजंस हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं और ये जो लास्ट रीज़न है ये सबसे अहम है सबसे इम्पॉटेंट है कि ऑडिटर जो है हम जो भी बुक हमारी प्रेजेंट करेंगे हमारा ऑडिटर जो है या टैक्स अथॉरिटीज़ जो है जिनको हम हमें अपनी बुक्स बतानी है अगर हम अपनी बुक के हिसाब से एज़ पर अवर कैश बुक हम अगर एक स्पेसिफाइड बैलेंस बता रहे हैं तो उसको प्रूव करने के लिए बैंक का स्टेटमेंट हमें लगेगा बैंक का पासबुक हमें रिक्वायर्ड होगा और अगर पासबुक एक अलग बैलेंस बताएगा तो उस ऑडिटर को भी पता है कि ये जो कैशबुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में फ़र्क है उसके कुछ स्पेसिफाइड रीजंस है कुछ प्रैक्टिकल रीजंस है जिनकी वजह से ये दोनों बैलेंसेस इक्वल नहीं होते तो ये स्टेटमेंट उन्हें हेल्प करेगा कि वो कौन से रीजंस है कि इस बैलेंस से कैशबुक बैलेंस से पासबुक बैलेंस में फ़र्क आया तो ये जो रीज़न्स है ये रीज़न्स के लिए या ये वजह वजह के लिए हम यहाँ पर ये बैंक रिकनसिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे बैंक रिकन्सिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो सिस्टम होगा या बनाने का जो तरीका होगा उसमें सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा उस स्टेटमेंट में हम एक कैशबुक और पासबुक कोई भी एक बैलेंस वो हमें देगा और वहाँ से हम वो बैलेंस को स्टार्ट करेंगे हमें कुछ रफ़ वर्क करना पड़ेगा कुछ वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेगी और उस वर्किंग नोट में हम सिंपल सा एक छोटा सा कैशबुक पासबुक बनाएंगे स्केलेटन एक छोटा सा कैशबुक कैश अकाउंट और कैशबुक का बैंक अकाउंट और पासबुक हम उसमें प्रिपेयर करेंगे और हमें ने अभी देखा कि कैशबुक डेबिट डिपॉजिट पासबुक क्रेडिट डिपॉजिट कैशबुक क्रेडिट विड्रॉल पासबुक डेबिट विड्रॉल तो ये जो डिपॉजिट है दो ही बातें हैं या तो डिपॉजिट अगर हम करेंगे तो बैलेंस बढ़ेगा विड्रॉ अगर हम करेंगे तो बैलेंस कम होगा तो हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ बताएंगे डिपॉजिट को पॉजिटिव से बताएंगे दोनों तरफ और विड्रॉल्स को नेगेटिव से बताएंगे ताकि आगे हमें समझने में हमें कुछ कैलकुलेशंस करना है उसमें हमें आसानी हो जाएगी सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि डिसाइड करेंगे हमारा डायरेक्शन क्या है प्रॉब्लम का हमें कैशबुक से पासबुक तक आना है या पासबुक से कैशबुक तक जाना है तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी प्रॉब्लम में वो डायरेक्शन देगा अगर कैशबुक बैलेंस देगा तो कैशबुक बैलेंस अगर पासबुक बैलेंस देगा तो पासबुक बैलेंस एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस तक हम आएंगे और वो हम फाइंड आउट करेंगे अगली स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक जो भी रीज़न अमाउंट है उस रीज़न अमाउंट से बड़ा बैलेंस हम एक एज्यूम करेंगे और उस बैलेंस से उस बैलेंस को एज्यूम करने के बाद दूसरी स्टेप में हम ये करेंगे कि जिस बुक में भी वो ट्रांजेक्शन है सही उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को उस बुक में रिकॉर्ड करने के बाद आइधर इन बुक और आइधर इन पासबुक रिकॉर्ड कर लेने के बाद फिर हम एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस की तरह बनाएंगे आगे चलकर मैं जब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम लेकर उसको सॉल्व कर कर बताऊँगा तो उसमें ये जो प्रोसेस है जो जिस तरह से बैंक रिकनसेशन स्टेटमेंट बनेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा